वो मतलब माड़ा माड़ी उड़ा लो, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कितना मछली कितना किलो आपका हिसाब हो रहा है, टोकन कट रहा है और यहाँ पर जो है लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं, जाके मछली को बेचती है। ये क्वांटिटी देखिए मछली का, और अब शुरू होता है असली मौत का खेल। ये देखिए यहाँ पर पूरा पानी एकदम भरा हुआ है, इसी में घुस कर जाना, इसी में चलना है। इधर का भीड़ जो है ये देखिए, हमको भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग सुबह के 4 बजे उठ चुके होते हैं, इतना भीड़ होता है सुबह के 4 बजे। मतलब जब सारा पटना पूरा बिहार सोया रहता है तो इस मंडी में इतने लोग जग के मछली खरीदने आते हैं। अगर आपको सुबह सुबह फ्री में बिना टिकट वाटर पार्क का मजा लेना है तो आ जाइए इस जगह पर, पूरा वाटर पार्क वाला फील जो आपको यहाँ आने वाला। लोग आने जाने का भी यहाँ पर देखिए रास्ता नहीं है, कैसे कैसे बीच में लोग घुस रहे हैं, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं और आगे की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। बर्बादी पूरे विश्व में, अभी आने वाला एक विश्व युद्ध छिड़ेगा पानी के ऊपर, लेकिन पूरे विश्व में मछली मंडी से ज्यादा पानी की बर्बादी कहीं पे नहीं है। आते हैं गलत चीज है ये, कहाँ से कैसे करेंगे। ये सब लोग को स्ट्रगल ही ना दिखता होगा कि आप कितना मेहनत करिए, 3 बजे सुबह से उठ के आ रही हैं। वो सब नहीं ना ग्राहक ही समझेगा, ग्राहक को तो थोड़ा पैसा कम मिल जाए तो बहुत अच्छी है। ये एक सीख भी है कि मतलब ये चीज नहीं कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू से वीडियो में और एक ब्रांड न्यू से कंटेंट में। एक ब्रांड न्यू सा चीज जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। अभी बज रहा है सुबह का 3:30-4 के आसपास कुछ हो रहा होगा, और आज ऐसे चीज को देखने के लिए आए हैं जिस चीज को देखने का मन मतलब अभी से नहीं, बचपन से सुना करते थे कि बाजार समिति में कोई मछली मंडी लगता है सुबह के वक्त जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो बस उसी चीज़ को देखने आए हैं और आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं अपने कैमरे के थ्रू। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नया वीडियो होने वाला है। 3:30-4 के आसपास अभी समय हो रहा है, ये लोग बताए थे कि 2 बजे से क्या क्या सब सीन स्टार्ट हो जाता है और 4 बजे से मंडी जो है खुल जाता है। सारा कुछ ट्राई करेंगे कि आपको समझाने का, खुद भी समझने का। ये देखिए यहाँ लाइन से ये जो ऑटो है, बस है, ट्रक है, सब लगा हुआ है, सब पार्क किया हुआ है, इसके आगे आपका व्हीकल नहीं जा सकता है। अंदर चलते हैं और अब अंदर वाला नज़ारा दिखाते हैं। ये दो व्हीकल के बीच में हल्का सा रास्ता है, इसी रास्ता को यूज़ करते हुए हम जा रहे हैं आगे की ओर। और ये लोग बताए थे कि हाफ पैंट पहन के आने, वो तो हम पहने नहीं, फुल पैंट पहन के आ गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी शायद नीचे होता है। यहाँ से मंडी स्टार्ट हो गया है ये सुबह में, देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, व्यापारी लोग होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए आते हैं। यहाँ देखिए मेन जो है वो आगे में है, ये देखिए मछली देखिए किस लेवल पर यहाँ क्राउड होता है, लोग होते हैं और ये हर कोई मछली मतलब बेचने वाली ये लोग हैं, यहीं से आके मछली को परचेज करती है और फिर जाके मछली को बेचती है। ये क्वांटिटी देखिए मछली का, और अब शुरू होता है असली मौत का खेल। ये देखिए यहाँ पर पूरा पानी एकदम भरा हुआ है, इसी में घुस कर जाना, इसी में चलना है। ये पानी मतलब ऐसे ही हमेशा रहता है मछली की वजह से। व्यापारी लोग का जितना गाड़ी आता है वही गाड़ी में पानी वानी जो भराता है मोटर से, अच्छा। मछली उसमें जिंदा रहे, वही पानी गाड़ी में से इसी पानी में भरा जाता है। हाँ। यही पानी को चेंज किया जाता है, मछली सब यहीं पे कर देते हैं। हाँ, यहीं पे चेंज कर, ये मतलब दिन में हट जाता है। हाँ, दिन के 1 बजे तक सूख जाता है। इसी पानी में घुस के और हम लोग जा रहे हैं आगे, यहीं पे ऑर्डर लेते हैं, पूरा बिहार में सप्लाई मछली यहीं से करते हैं लोग। ये देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि ये अभी सुबह का 3:30 बज रहा है, जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, और सुनने में आया था कि मतलब 50,000-60,000 के आसपास टोटल लोग यहाँ होते हैं, जितना बाजार समिति में जितने लोग नहीं रहते हैं उससे ज़्यादा लोग सुबह के वक्त यहाँ रहते हैं। ये देखिए किस तरीके से ट्रक से पानी गिर रहा है, इस वजह से ये जो पूरा वाटर लॉगिंग है, इतना पानी जो लगा हुआ है वो रहता है। मसौड़ी से इसी में सारा मछली लोड किया हुआ था, सारा पानी इसी में था और इसी में से सारा निकाल के जो ट्रेडर लोग हैं उन लोगों को सप्लाई किया गया। यही सब पानी गिरता है। हाँ, देखिए ऐसे देखिए सारा मछली गिर रहा है, ये इसमें सारा पानी है, मछली सब रहता है, मछली को निकाल लिए और लास्ट में पानी जो है वो यहाँ ऐसे गिराया जा रहा है, वाटर पार्क में आ गया लग रहा है। हाँ, हमको लग रहा है ये पानी के अंदर अगर कोई मछली गिरेगी तो दिखाई नहीं देगी, पूरा मछलियाँ भुला जाएगी। मतलब अगर मछली, ये देखिए इतनी सारी मछली अभी इसमें अंदर में थी, अब ये वापस इधर आ रही है।
अगर आपको सुबह सुबह फ्री में बिना टिकट वाटर पार्क का मजा लेना है तो आ जाइए इस जगह पर। पूरा वाटर पार्क वाला फील जो आपको यहाँ आने वाला, लोग नहाए हुए हैं पानी। ओहो, ये जो क्राउड है यही देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बट सुनने में आया कि बहुत आगे तक ये है। और ऐसा ऐसा एक नहीं, तीन डिफरेंट रो है। हर जगह जो मछली का खरीद बिक्री है वो चल रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको अलग अलग, ओहो 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 ओहो, आगे में देख सकते हैं कि इस तरह से बड़ा बड़ा जो तराजू है वो रखा हुआ है और यहीं पर लोग अभी मछली को खरीद रहे हैं। दाम लगाया जा रहा है, कॉपी पर लिखा जा रहा है और यहाँ पर जो मछली है इसे खरीद रहे हैं। कमेंट करके जरा बताइए, आप लोग ये सब पहले कभी देखे थे कहीं भी, आपको ये सब कुछ देखने को मिला है? आने जाने का भी यहाँ पर देखिए रास्ता नहीं है, कैसे कैसे बीच में लोग घुस रहे हैं, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं और आगे की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर पेटी में बात होता है, कोई किलो विलो में बात नहीं होता है, पेटी में बात होता है। 20 किलो 25 किलो 30 किलो इसी तरीके से यहाँ बात होता है और इधर तौल के ले जाया जाए। इधर हमें मछली मंडी में एक सब्सक्राइबर भी मिले, वीडियो देखते हैं हम लोग का। हाँ, खूब शिकायत कर रहे कि मछली कम बनाते हैं, मटन ज्यादा बनाते हैं। हाँ, बात सही है। आप कौन कौन मछली रखे हैं यहाँ पे? यहाँ रेहू, कतला, जासर, सिंगी, मांगुर सब मिलता है। ये वाला कौन मछली हो गया? ये कतला हो गया। इसका क्या रेट है यहाँ पे? इसका यहाँ पर रेट है 200 रुपये। 200 रुपये किलो? जी। लोग बेचते क्या क्या रेट में? वहाँ बाजार में 240-250। क्या हो गया? ये रूपचंद हुआ, ये रेहू हुआ, उधर पनास है। वो क्या हो गया? पनास। हाँ, आगे वाला है जी। जो एरिया हो गया यहाँ पर, ये झींगा बिक रहा है, छोटे छोटे साइज का जो प्रॉन है तो वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। और सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ते का भी मतलब व्यवस्था है, जो लोग आ रहे हैं उनको भूख लगा है तो नाश्ता वास्ता यहाँ जो है वो मिल रहा है। चाय हो गया और हल्का फुल्का बिस्किट हो गया ये सब चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। लेफ्ट साइड भी लोग यहाँ दिख रहे होंगे, राइट साइड भी दिख रहे होंगे, जिधर भी आपका नज़र जा रहा है हर जगह लोग दिख रहे होंगे, अलग अलग वैरायटी का जो मछली है। भाई साहब, इधर का भीड़ देखिए, ये असली क्राउड तो इधर था, इधर का भीड़ जो है ये देखिए। हमको भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग सुबह के 4 बजे उठ चुके होते हैं, इतना भीड़ होता है सुबह के 4 बजे। मतलब जब सारा पटना पूरा बिहार सोया रहता है तो इस मंडी में इतने लोग जग के मछली खरीदने आते हैं। अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का मछली, और ये मछली का साइज देखिए कितना ज़्यादा छोटा मछली है, मतलब मारा मारी हो रहा है, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कितना मछली, कितना किलो आपका हिसाब हो रहा है, टोकन कट रहा है और यहाँ पर जो है लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं। इस तरीके का क्राउड होता है यहाँ पर मछली बाजार में। शॉप नंबर 1 है ना ये? जी हाँ, शॉप नंबर 1। और आप कितने दिन से है यहाँ पर? यहाँ तो ऐसे 1980 में मार्केट आई है, इससे पहले हम लोग मुसल्लापुर हाट पर थे। दुकान की 60 साल हो गई है। अच्छा, ये जो पूरा मंडी लगा, मार्केट लगा, 1980 से लगा है? हाँ, 1980 में आया है। और जरा कैसे काम होता, क्या होता, थोड़ा ये समझाइएगा हम लोग। यहाँ किसान अपना दूर दूर से लेके माल आते हैं, अपना बेचते हैं, हम लोग कमीशन काट के उनको पेमेंट कर देते हैं। किसान, खुला मार्केट है, किसान अपना जहाँ जिनका मन किया वहाँ लेके जाते हैं, अब बेच के चले जाते हैं। तो ये जो अलग अलग पिकअप है इससे किसान लोग लेकर आए हैं? हाँ, किसान का अपना खुद का माल है। अलग अलग शहर से? अलग अलग शहर से, कलकत्ता हो, उत्तरी बिहार हो, इधर दक्षिणी बिहार हो, सभी जगह। कहाँ से आता है? मोतिहारी, बेसिकली अभी लोकल बिहार में मोतिहारी, सीतामढ़ी, इधर आपका नालंदा जिला पूरा ज्यादा थोड़ा सा भी डेवलप हुआ है मछली के उत्पादन में, मसौढ़ी। हाँ, दरभंगा साइड से? दरभंगा साइड से भी नहीं आ रही, क्योंकि वहीं पे उनको जो रेट में यहाँ बेचेंगे वो रेट वहीं पे बिक जा रहा है, तो लोग यहाँ लेकर ही नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। और बिहार के बाहर कहाँ कहाँ से आता है? बिहार के बाहर आंध्रा तो 50% से ज्यादा आंध्रा है, और उसके बाद आपका अभी बंगाल चालू हुआ है कलकत्ता से। ये अभी चालू हुआ है? हाँ, साल 2 साल से लाइव मछली, जिंदा मछली बंगाल से आ रही है। मतलब आंध्रा और बंगाल से मेनली? बंगाल से। अच्छा, तो किसान लोग आते हैं, ये सब जो आप लिख रहे हैं ये सब क्या रहता है? ये किसान लोग का ही जो माल बिक रहा है वो हम लिख रहे हैं, फिर इसी के आधार पे उनको हम बिक्री देंगे, बाद में उनका हिसाब पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट पहले नहीं करते वो लोग, ला के अपने यहाँ पे बता दिए कि ये सब चीज़ है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो दुकानदार लोग हैं वो लोग आए खरीदे और हल्का सा कुछ आपका कमीशन रहा? हाँ, मेरा कुछ कमीशन रहा और उसके बाद बेच दिए। अच्छा, तो इस तरीके से देखिए यहाँ काम होता है, सारा ट्रेडिंग होता है एक तरह से? जी, बिल्कुल सब ओपन है, सब कुछ ओपन है। ओपन है तो कमीशन भी कितना परसेंट रहता है? लगभग 5 और 6, बस यही 5-6% आप लोग का प्रॉफिट रहता है। जी जी। और अगर किसी पब्लिक को भी मछली खाना होगा तो यहाँ से ले सकते हैं आपके शॉप से? हाँ, बिल्कुल एकदम ताजी मछली, फ्रेश मछली यहाँ से मिल जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक खोल के रखते हैं? यहाँ 4 बजे सुबह से चालू हो जाती है, 8 बजे सुबह तक।
8 बजे बंद? हाँ 8 बजे। क्या नंबर है, जरा नंबर बता दीजिए किसी को लेना हुआ तो। मेरा 6287212121। अच्छा दूसरी चीज़ बताइए कि इतना जो पानी का बर्बादी हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है? इस पर हम लोग बहुत, मतलब जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस पर हम लोग काफ़ी मंथन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। और पानी की बर्बादी पूरे विश्व में, अभी आने वाला एक विश्व युद्ध छिड़ेगा पानी के ऊपर, लेकिन पूरे विश्व में मछली मंडी से ज़्यादा पानी की बर्बादी कहीं पे नहीं है। पूरे मार्केट से कम 20,000 टन 20,000 टन मछली निकलता है। हाँ, आपके शॉप से कितना निकलता है? मेरे शॉप से कम 6 टन 7 टन। क्योंकि सबसे पहला दुकान आपका है, जो भी आता हूँ सबसे पहले आप ही के पास आते हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, आप अपना काम कीजिए, धन्यवाद। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ काम होता है। आंटी आप मतलब मछली खरीदने आई हैं? खरीदने आए हैं। कहाँ दुकान है आपका? खवा। और अच्छा, कितने बजे सुबह आती है यहाँ? यहाँ 3 बजे आ जाते हैं। रोज सुबह 3 बजे आ जाते हैं? 3 बजे आते हैं। खगोल से यहाँ आती हैं? खगोल से नहीं, मछुआ टोली से आते हैं। अच्छा, घर मछुआ टोली में है, बेचने आती है खगोल? कौन कौन मछली बेचती हैं? सब जिंदा है, मरल है सब। मछली का वैरायटी कौन कौन रहता है? मछली में रेहू है, कतला है, जासर है, रेवा है, बचवा है। कितने बजे तक दुकान रहता है वहाँ पे? 7 बजे से लगते हैं तो 8 बजे रात तक ले। 8 बजे रात तक? हाँ 8 बजे रात तक ले बिजनेस करते हैं। फिर सुबह उठ के यहाँ जाती हैं? हाँ सुबह यहाँ ही आना है। मानना पड़ेगा इन लोगों के स्ट्रगल को भी। हाँ। सुबह 3 बजे से उठी हुई है दिन भर यहाँ अपना। हाँ। सुबह कितने तक यहाँ रहिएगा? यहाँ अब 7 बजे तक, 6:30 बजे तक रहेंगे। मछली खरीद रहे हैं, मछली खरीद लेंगे, फिर गाड़ी करेंगे, गाड़ी आएगा चल जाएंगे, गाड़ी करके चले जाइएगा, फिर 7 बजे से रात के 8 बजे तक बेचेंगे। हाँ। घर जाके खाइए पीजिएगा सोइएगा। हाँ। फिर सुबह उठ के यहाँ आ जाइएगा। हाँ। रोज का यही रूटीन है? रोज के यही रूटीन है। तो ये सारा स्ट्रगल होता है, मतलब सुबह 3 बजे एक दिन आज उठने में हालत खराब हो गया। यहाँ लोग हर दिन हर रोज सुबह सुबह उठते हैं। यहाँ देखिए अभी आपको बताएंगे कैसे होता है। ये किसान का गाड़ी है, इसमें से मछली आया, अब ये लोग कैरेट में मछली को ला के यहाँ स्टोर कर रहे हैं, वहाँ लिखा जा रहा है कितना क्या मछली हुआ। अब ऐसे ऐसे शॉपकीपर लोग जो हैं वो लोग आएंगे, वहाँ से परचेज करेंगे, बीच का कुछ कमीशन जो है वो कमाएंगे, फिर लोग लेकर जाएंगे, बेचेंगे हम जैसे ग्राहक लोग को, और हम लोग फिर कुछ एक्स्ट्रा इनको पे करके इनसे खरीदेंगे। तो ये एक सीख भी है कि जो हम लोग जाते हैं 5-10 रुपये कम करवाते। कितना प्रॉफिट रहता है आपका? वैसे रेहू यहाँ कितने में खरीदती हैं? रेहू खरीदते हैं 150, कभी 52 में बेचते हैं, 70 में, मतलब 10-15 रुपये का प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट यही मार्जिन होता है। हाँ। उसमें भी हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं, कम करवाते हैं। कराते हैं, गलत चीज़ है ये। तब कहाँ से कैसे करेंगे? ये सब लोग को स्ट्रगल ही ना दिखता होगा कि आप कितना मेहनत करिए, 3 बजे सुबह से उठ के आ रही है। वो सब नहीं ना गाहकी समझेगा। ग्राहक को तो थोड़ा पैसा कम मिल जाए तो बहुत अच्छी है। ये एक सीख भी है कि मतलब ये चीज़ नहीं कीजिए, जो रेट बोल रहे हैं बस उसमें ले लीजिए, 5-10 एक्स्ट्रा भी अगर मांगा जा रहा है तो दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होता है इसके पीछे। आप किसान हुए हैं? हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मसौड़ी। अच्छा, कौन कौन मछली यहाँ मिलता है जरा बताइएगा? यहाँ मिलेगा आपको जासर, ये हुआ जिंदा जासर, ये हो गया जासर, जासर जिंदा जासर। अच्छा ठीक है, एक ये हो गया, और क्या दिखाइए? आप देखिए यहाँ ये कतला, ये हो गया कतला मछली। हाँ, आंध्र 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 प्रदेश का हुआ, ये सारा आंध्रा वाला माल रहता है। हाँ, हाँ। ठीक है, और ये सब जितना है टोटल मछली आंध्रा वाला है सारा। ये कौन कौन मछली है बड़ा वाला उठाइएगा? हाँ, इसका नाम रूपचंद हुआ। क्या नाम हो गया? रूपचंद। रूपचंद। हाँ। ये क्या किलो बिकता है? वो बिक रहा है आपको 110 रुपया किलो। अच्छा, सस्ता रहता है ये। हाँ। ठीक है, और दिखाइए। मरा हुआ आंध्रा का मरा हुआ जासर है, मरा हुआ जासर। दो तरह का मिलता है, जिंदा जासर एक मरा हुआ। तो रोज मतलब यहाँ आते हैं बेचने के लिए? हाँ, हर रोज खाली बृहस्पति का रोज बंद रहता है। अच्छा, उसके बाद बाकी दिन खुला रहता है। कितने बजे निकलते हैं मसौड़ी से? वही समझे कि 12-1 बजे 2 बजे रात के 12-1 बजे निकल जाते हैं। करते हैं वीडियो को खत्म। कॉमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कुछ अलग लगा कि नहीं। माहौल भी आप देख रहे हैं कि मतलब सनराइज होने का समय हो रहा है, धीरे धीरे लाइट जो है रोशनी जो वो आ रहा है। सुबह का 5 बज चुका है, 5:30 बज चुका है। वीडियो बनाते बनाते बहुत दिन के बाद आज जो है सनराइज देखने वाला है। खत्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, कुछ अलग देखे, कुछ अलग जाने की नहीं, और अगर मछली खरीदना है या ये बाजार घूमना है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ये पानी का छीटा वेटा, अब जा रहे हैं घर, नहाएंगे, वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।